इस क्वेश्चन में दो वेक्टर गिवेन है, 2i-j+k, तो लेट इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i-j+k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i+j-k। तो एक वेक्टर मालूम करना है जो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है, तो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, आई जे के 2-1 1 1 1 1 -1 आई इंटू 1-1 माने जे इंटू -2-1 प्लस के इंटू 2+1 जीरो इंटू आई 3 इंटू जे प्लस 3 के। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकला। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 3j प्लस 3k बाय रूट अंडर ऑफ 9+9, डेट इज 3j प्लस 3k बाय 3√2। 3 कॉमन भी कर लेंगे, j प्लस k वेक्टर बाय 3√2, 1/√2 j वेक्टर प्लस k वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर निकला जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है। अभी बोला जा रहा है कि इसी वेक्टर के अलावा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर के अलावा एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 होता है, तो डेट इज द 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालेंगे, तो डेट इज द लेट पी इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4। इज 4 तो पी वेक्टर इज इक्वल टू मालूम होगा, इसी पी वेक्टर के बाहर माप पी वेक्टर को मालूम करना है, तो 4 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज 4 इंटू 1/√2 जे प्लस के वेक्टर, दैट इज 4/√2 इंटू जे प्लस के वेक्टर। अब इसमें बोला जा रहा है कि आंसर को वेरीफाई करना है, तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए पहले कर लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर आया वो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो पहले ए वेक्टर डॉट 2√2 जे प्लस के मालूम कर लेते हैं, तो 2√2 और ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i-j वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, 2√2 -1+1 इट इज 0। तो इसका मतलब हो गया ए वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर मालूम कर लेते हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर मालूम करेंगे, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू i+j-k डॉट पी वेक्टर 2√2 इंटू j+k, तो 2√2 j 1-1 ये भी 0 आया, इसका मतलब b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, b परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर,
अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देखते हैं। पी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2√2 इंटू रूट ऑफ 1 + 1, 2√2 इंटू रूट टू, डेट इज 2 और 2 4, तो 4 यूनिट आया। इसका मतलब है कि पी जो है, पी का मैग्नीट्यूड 4 है, पी बी का परपेंडिकुलर है, पी ए का परपेंडिकुलर है, तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया।